वैशाली जिले के हाजीपुर में रविवार की रात एक बड़ा हादसा सामने आया है। पहलेजा स्थित गंगा नदी से जल लेकर आ रहे 9 कवारियों की झुलसकर मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कवारियों का जत्था पहलेजा घाट से गंगा जल भरने और बाबा हरिहरनाथ का जलाभिषेक करने के लिए निकला था। इसी बीच औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में रविवार की रात करीब 11:40 पर डीजे ट्रॉली के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 9 कवारियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे में मृत कवारिये जेठुई गांव के रहने वाले हैं। हादसा तब हुआ जब कवारियों का जुलूस गांव से करीब 500 मीटर दूर आगे बढ़ा होगा। जुलूस के साथ एक ट्रॉली पर डीजे और साउंड सिस्टम सेट किया हुआ था, जो 11,000 वोल्ट के तार से सट गया। इस पूरी ट्रॉली में 11,000 वोल्ट का करंट फैल गया और इसकी चपेट में जो आए वो मारे गए। एक एक कर करंट लगने से 9 कवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है और मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस के साथ SDM मौके पर पहुंचे तो स्थानीय लोग हंगामा और बवाल पर उतारू दिखे। स्थानीय लोगों का आरोप था कि बिजली विभाग की लापरवाही ही हादसे की वजह बनी है और हादसे के बाद लगातार सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया और ना ही समय पर बिजली काटी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी देर रात तक मृतकों का शव मौके पर ही पड़ा रहा। देर रात तक प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा राहत बचाव का काम जारी रहा।